जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम पेश करने का मकसद सिर्फ आप लोगों को गाय दिखा करके उसके बारे में बताना, दूध, नस्ल, लैक्टेशन, सीमेन और खान पान की बातें भी बताते हैं, सेहत संबंधी सुधार की बातें भी होती हैं। तो शाही डेयरी फतेहगढ़ साहब नौगावा की आज की गाय हैं। हमारा मतलब यह है कि आपको गाय दिखाना, ना कि ये कहना कि आप वहां से जाके खरीदो। ये हमारा एक संघर्ष है, जब से प्रोग्राम शुरू किया तब से हम लड़ते आ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि कमीशन लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी कहते रहें, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते हैं और करते रहेंगे। ये किताब छापते हैं हम और इसके ऊपर हमारा 3-4 लाख का खर्चा आता है, लेकिन उन लोगों को हम फ्री देते हैं जो हमारे पास आते हैं या जिनके पास हम जाते हैं। अगर कोई बाई पोस्ट मंगाएगा तो इसका खर्चा जो उसको देना होगा। इमेजिन, हर तरह के पशुओं की और खेती संबंधी जानकारियां लिए हुए हैं। पशुओं की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें ना हो। आप भी हमसे संपर्क करें तो आपको मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं। ये जो गाय आप देख रहे हैं, फिर आपको बता दें कि फतेहगढ़ साहब जिला है, बहुत ऐतिहासिक जगह है ये। उसके पास में गांव पड़ता है फतेहगढ़ साहब के, नौगावा, जहाँ पर दलविंदर सिंह हैं, स्वर्ण सिंह इनके पिताजी हैं और ये इस डेयरी फार्म को चलाते हैं। फीडर फोर्स का काम है इनका, किसान है, 20-25 एकड़ जमीन भी है। ये गाय जो आपको दिखा रहे हैं हम, तो इनकी खरीद जोड़े में हुई है 2,70,000 में। ये पहली जो आप देख रहे हैं, इसने, ये दूसरी लैक्टेशन में है, पहली लैक्टेशन में इसने 38 लीटर दूध दिया है और दूसरी में 40 देने की इसकी उम्मीद है। अब आप अपना अंदाजा लगाओ। आपको ये हम एक उदाहरण पेश कर दिया कि इस तरीके की गाय, एक 35 की मानो, एक 40 की मानो, 2,70 में से, जैसे आप समझो कि दूध जो इसने 38 और 40 के बीच में है, दूसरी लैक्टेशन है। अब ये अंदाजा आपने लगाना है कि आगे कहीं जाए खरीदने जाते हैं तो आपको इस भाव में जो गाय मिलनी चाहिए। साथ में अहम जानकारी भी आपको देना चाहेंगे कि निमोनिया, अब आप अच्छी ब्रीड तैयार कर रहे हैं, बच्चा महंगा लाए हैं आप, जब आपने तैयार किया उसके ऊपर खर्चा भी 1,00,000 रुपए से ऊपर हो जाना है, और वो सही सलामत रहे, तंदुरुस्त रहे और अच्छी नस्ल में आ जाए और जिससे आप आगे अपना काम बढ़ा सकें, तो उसको निमोनिया से बचाना है। ये 1 साल तक के बच्चों को होता है, बछड़ा बछड़ी या कट्टा कट्टी भैंस का जो भी है, 1 साल तक के में होगा और सर्दी के मौसम में। इसके कई कारण भी होते हैं। कारणों में वायरस जो है, जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, उनसे सचेत रहना है, उसका सारा इंतजाम करके आपको चलना है। बैक्टीरिया भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अगर आपने इन बातों पर ध्यान दे दिया तो आपका पहला प्रयास, पहली सीढ़ी का पहला पायदान आप चढ़ गए और आपको एक अच्छी काफ जो है मिलेगी, जो आगे जाके गाय बन जाएगी। ये दूसरी गाय उस जोड़े की आप देख रहे हैं जो 2,70,000 में जिसकी खरीद हुई थी, पहली आपको दिखाई थी, ब्रीड उसमें ज़्यादा थी। हम ने इनसे, दलविंदर से पूछा कि इसमें क्रॉस में चली गई, कहते नहीं ब्रीड में, लेकिन क्रॉस में नज़र आ रही है, पहले वाली में ब्रीड ज़्यादा थी और ये दूध कहते उससे अधिक देगी, उससे 40 से भी ऊपर जाएगी। फिर वही 2,70,000 भाव, 1,35 मान लो, 1,35 में दूध आपको 40-40 ही मान लो दोनों, 2,70,000 में 80 लीटर दूध ये बता रहे हैं। अब आपको भाव भी बता दिया, दूध का भी पता चल गया, लैक्टेशन भी पता चल गई, ब्रीड भी सामने दिख रही है। अब ध्यान में रख के चलना है इस बात। अब आगे फिर वही निमोनिया वाली बात, निमोनिया के कारणों की हम चर्चा कर रहे थे, तो माइकोप्लाज्मा
ये भी इसका निमोनिया का कारण बनता है। अगर हवा की निकासी सही नहीं तब भी निमोनिया की गुंजाइश होगी। अगर मौसम ठंडा है, सफाई नहीं है, तब भी बच्चे बछड़ी के ऊपर इसका खतरा बढ़ाता रहेगा। अब अगर आप उखीस जिसे कहते हैं पंजाबी में, बौली कहते हैं, खर्राटा भी बोलते हैं जो ब्याने के तुरंत बाद, वो अगर खुराक आप उसको बच्चे को नहीं पिलाओगे तो भी इस बीमारी के आने का अंदेशा होगा। और उस चीज में हर एक बीमारी से लड़ने की समर्थता होती है, तो बहुत जरूरी है उसको पिलाना। ये तीसरे नंबर पर आ गई, काफी भारी गाय दिखा रही है, बहुत उम्र की लगती है लेकिन ऐसा नहीं है। ये चार दांत है, इसका दाम 1,78,000, दूध 35 और 40 के बीच में। हमारा मानना है कि ये कुछ क्रॉस में है, आप भी देखो, जबकि इनका कहना है कि ब्रीड बहुत, पहले 270 वाली आपको दिखाई थी और ये उनसे बढ़कर है। और ये दलविंदर जी का कहना है कि 45 लीटर से ऊपर दूध देगी, हम 1,78 में 40 ही मान कर चलते हैं, बहुत कम उम्र की है। पहले मैंने आपको बताया कि चार दांत है, 20 दिन इसके बाकी हैं ब्याने में। आगे आइए, अब निमोनिया की बीमारी में आगे बढ़ते हैं। निमोनिया की बात हम कर रहे थे, तो जब हम उसको पोषक तत्व तो सही नहीं मिलते हैं बच्चे को, तो फिर वो दबाव में आता है, वायरस जो है इसका कारण बनता है और निमोनिया को बढ़ाता है। ये बात ध्यान में रखना कि आपने जो अब बछड़ा बछड़ी पाल रहे हैं ब्रीड के लिए, उसको खुराक संतुलित और पौष्टिक होनी चाहिए। ये जोड़े में है, ये जो गाय दिख रहे हैं चौथे नंबर पर, तो दूसरी जोड़े वाली अगले बाद में दिखाते हैं आपको। ये पहली बार भी आई, बछड़ी से दी है, ब्रीड भी अच्छी है, 26 लीटर दूध ये दी है। इसका इन्होंने निकाल के देखा है, वो कहते हैं पीक में 35 लाख जाएगी, तो अभी एक दो दिन हुए गए। अब इसकी अगली भी आप देखना। बछड़े बछड़ियों में निमोनिया के लक्षण आपको हम बता रहे थे, तो जब उसके प्रभाव में आता है तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है, खाना कम कर देता है, सांस छोटे छोटे सांस तेजी से लेगा, मुश्किल से काफी परेशानी महसूस करता है सांस लेने में। एक और बता दें कि जब ज्यादा हालत खराब हो जाती है तो उसका भार नहीं बढ़ेगा, कमजोरी के लक्षण आ जाएंगे और शरीर के जो बाल हैं वो खुरदरे से रूखे से हो जाते हैं। वो जोड़े की आप बाद में देखना, पहले ये अलग से दिखा रहे हैं, ये 1.5 लाख की बता रहे हैं, दूसरी ब्यात में है, 20 दिन इसके बाकी हैं और दूध 35-40 के बीच, वैसे 40 कह रहे हैं ये दावे के साथ। और आप भी इससे अंदाजा लगा लें कि निमोनिया की जैसे बात कर रहे थे कि कैसे पहचानेंगे आप कि निमोनिया हो गया, तो एक तो उसके फेफड़ों की जो है टेस्ट करवाना पड़ेगा, एक उसके गले में से रेशा खींच करके उसको भी लेबोरेटरी में ले जाने पे पता चल जाएगा कि निमोनिया है या नहीं है या कितना है। ये जो पहले गाय दिखाई थी जोड़े वाली, तो 270 का जोड़ा बताया था, ये पहली बार इसने बयाना, भी 1 महीना इसका बाकी है, ब्रीड काफी है। अब एक 270 में से अब इसको आप कितना भी मान लो, 1.35 मान लो, 1.5 मान लो, 1.40 मान लो, दोनों को आपस में थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन पहचान के लिए हमने आपको बता दिया है। फिर वही निमोनिया वाली बात पे हैं, तो उसको बताएंगे कि कैसे पहचाना, तो हमने आपको बताया था कि गले से रेशा निकाल करके, फेफड़ों की टेस्ट करवा करके, और खून को टेस्ट करवाना, ये अगला है, खून को टेस्ट करवा के भी पता चल जाएगा। अगर उसमें व्हाइट सेल जो है सफ़ेद सेल बढ़े हुए होंगे तो इसका मतलब है कि निमोनिया का प्रभाव हो गया है और बढ़ गया है।
लेबोरेटरी में खून को जब टेस्ट कराएंगे तो उसमें सेलों का पता चल जाता है। इस वीडियो में जो पहले गाय दिखाई है आपको, ये उन सबसे महंगी और सबसे अच्छी गाय है, 2.5 लाख रुपए कीमत है। दूध इनका कहना है कि 50 लीटर से अधिक देगी। अभी ब्याई है, एक दिन पहले बछड़ी इसने दी। वैसे तो बछड़ी तैयार करने में 1 लाख रुपए से कम खर्चा नहीं आएगा, लेकिन अच्छी गाय मिलेगी आपको अगर तैयार करते हैं। अब हर चीज़ का अपना अपना दाम होता है। 40 लीटर वाली इन्होंने 1.25 लाख 31-35 की दी है, अब 50 वाली जो है इसका 2.5 लाख बता रहे हैं। तो निमोनिया के हमने आपको कारण भी बता दिए थे, पहचान भी बता रही थी, और कैसे करनी है, उसके लक्षण कैसे, क्या हाव भाव दिखाती है, अब उसका इलाज भी बता रहे हैं। सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आएगी, लेकिन आपको उससे पहले एंटीबायोटिक शुरू कर देनी है, ठीक होने के 2-3 दिन बाद तक भी वो देनी है, तब जाके नियंत्रण में आएगा। तो ये हमने आपको गाय दिखाई, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके लिए हितकर होगी ये। अगर ध्यान से नहीं सुनी तो फिर दोबारा सुन लो। हमारा ये प्रोग्राम देने का मतलब ये है कि आपको डेयरी के काम में दक्ष बनाना है, प्रवीण, ताकि आप सफल हो सके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।